उनको शर्म आनी चाहिए, उनके घर में भी बहु बेटियां होंगी। इस सरकार में कोई भी महिला अपनी आवाज नहीं उठा सकती। देश की राष्ट्रपति महिला होने के बावजूद भी इन बेटियों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं तानाशाही ये सरकार अपना रही है। अरे नारे देने से कौन सुनना हो जाएगा भाई, ये हकीकत यहाँ पर बैठी है, इसको क्यों नहीं देख रहे आप लोग। जब ब्रजभूषण विनेश को बैठा के जब बॉडी शेमिंग की बात कर रहा था, तो वो विनेश उसका सबूत कहाँ से ला कर दे? उनका घमंड बोल रहा है, ये उनका घमंड है। तो उनका इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। चाय पानी और टीआरपी लेने के लिए उनको बुला सकते हैं, तो क्या उनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं बची कि वो बैठ के यहाँ पूछे कि बेटी क्या प्रॉब्लम है? और विनेश ने तो उनको बताया भी है घर जाके। मतलब हद है इस बात की कि कोई महिला अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है और दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, इस देश की राष्ट्रपति महिला है, क्या वो एक इंसानियत के नाते इन बेटियों की बात सामने बैठ के नहीं सुन सकती? मैम, भाजपा सरकार कहती है महिलाएं सुरक्षित है हमारे देश में, लग रहा है आपको? अरे नारे देने से कौन सुरक्षित हो जाएगा भाई, ये हकीकत यहाँ पर बैठी है, इसको क्यों नहीं देख रहे आप लोग? देखिए, मैं उन बहनों को, वो भी हमारी देश की शान है, लेकिन जब एक पद पर आदमी आ जाता है तो कहीं ना कहीं अपना स्ट्रगल भूल जाता है। उन महिलाओं को ये नहीं भूलना चाहिए, उन मेडलिस्ट हैं भी, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप भी इसी दौर से गुजरे हैं, जमीन से निकले हैं। आज ये जो अपनी पीठ पे इंडिया लिखवा कर बैठी हैं लड़कियां, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, क्या ये हवा में बातें करेंगी? किसी भी औरत को, किसी भी लड़की की अस्मिता सबसे पहले प्यारी होती है, और जब तक वो बर्दाश्त कर सकती है तब तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो आवाज उठाती है। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है सिर्फ इसको। ब्रजभूषण तो बिल्कुल कहेंगे, वो एक पार्टी में हिस्सेदार हैं, सत्ताधारी हैं, वो तो कहेंगे। और उनकी जो कैरेक्टर की लिस्ट है वो आप सबने देखी है, लटकी हुई है यहाँ पे, तो वो तो बताएंगे। क्योंकि अगर लड़कियां बैठी हैं उनका सपोर्ट करने हमारी जो खापे, हमारे जो संगठन आए हैं, अगर वो ना आए तो वो न्याय की हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे? आरोपी सांसद कह रहे हैं मुझे फांसी पे लटका दो, लेकिन खेल का समय, खेल खराब नहीं करो, वापस आ जाओ। उस आदमी को तो अपनी इज्जत इतनी प्यारी होगी, और ये जो देश की महिलाएं जो देश का शान बढ़ाती हैं, तिरंगा लहराती हैं, उनको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? जो यहाँ पर बैठी हुई है उनको शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहने से? तो सारे सवालिया जो है उनके ऊपर लगते हैं। आज वो अपनी सत्ता का जो है जोर दिखा रहे हैं, उनको लगता है कि इनकी आवाज को दबा दिया जा सकता है किसी भी तरीके से। लेकिन खासकर मैं हरियाणा की बात करूंगी, हरियाणा में जब भी किसी बेटी की अस्मत में बात आती है तो कोई भाई या कोई माँ बाप चुप नहीं बैठते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि परिवारवाद कर रहे हैं ये लोग। अब कहने वाले तो भाई कहेंगे, परिवारवाद क्यों? अगलियों ने मेडल दिया उस परिवार ने, उस बाप ने उन बेटियों पर मेहनत की है, इसलिए वो बेटियां निकली हैं वहां से, और भी बेटियां निकली हैं। अब उनकी काबिलियत भी आप शक करने लग जाओ, ये तो कहीं की बात नहीं हुई। बोल रहे हैं कि अखाड़े के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वही लोग आना चाहते फेडरेशन। मैं ये कहती हूँ, हमारे समाज में आप एक नया कानून बना दो, एक ऐलान करवा दो कि जब भी कोई लड़की आवाज उठाए तो लड़की की तरफ कोई निगाहें गलत निगाहों से नहीं देखेगा, उसको अधिक नजरों से नहीं देखेगा, तो हजारों लड़कियां निकल कर सामने आएंगी। यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजभूषण जी भी वहीं से आते हैं, वो कहते हैं आरोपियों को मिट्टी में मिला देते हैं, क्या ये कानून ब्रजभूषण पे लागू नहीं होगा? तो ये तो पूरा देश देख रहा है, उनकी लिस्ट निकली हुई है, 38 तरह के मुकदमे उन पर दायर हैं, तो ये कौन सा महान शख्सियत होगी, कौन सा देशभक्त है ये, इनको क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया जा रहा है? अपराधी बन के कभी भी इस्तीफा नहीं दूंगा, उनका घमंड बोल रहा है, ये उनका घमंड है। अरे हैरानी तो इस बात की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देने वाले प्रधानमंत्री जी, मन की बात सुनने वाले प्रधानमंत्री जी, इस देश की राष्ट्रपति महिला होने के बावजूद भी इन बेटियों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं तानाशाही ये सरकार अपना रही है, ये हिटलर शाही अपना रही है कि इस सरकार में कोई भी महिला अपनी आवाज नहीं उठा सकती। और ताजा केस है, खेल मंत्री संदीप सिंह जी के ऊपर आरोप लगे थे,
वो भी अपने पद पर डटे रहे, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो पूरा देश इस बात को देख रहा है, तानाशाही ये लोग दिखा रहे हैं। हमारा तो लोकतंत्र भी खतरे में है। सांसद कह रहे हैं मेरी एक आवाज पे तीन गुना लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है, अपराधी किस्म का आदमी वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो ईमानदार होता है, जो देशभक्त होता है, उसको ऐसे ही कुचला जाता है, ऐसी उसकी आवाज दबाई जाती है। ये तो हमारा इतिहास गवाह है। भूषण सिंह कह रहे हैं कि अब तो FIR होगी, अब इन लोगों को जाना चाहिए। FIR तो होगी, लेकिन वो अपने ना कुश्ती पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, संसद पर बैठे हुए हैं। सत्ताधारी आदमी उसके दबाव में ना तो पुलिस अपनी कार्रवाई सही से कर सकती है, ना ही कितनी कमेटियां बना ले, ना वो सही तरीके से आजादी से कोई अपना पक्ष रख सकती हैं। तो उनका इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। ब्रिजभूषण सिंह ये भी कह रहे हैं कि पहले ये लोग बोलती थी 100 के साथ शोषण किया, आप कह रही हैं 1000 के साथ शोषण किया है। मैं ये कह रही हूँ, आप भी महिलाएं हैं, अगर आप घर से निकली, आप बस स्टैंड तक जाती हैं, जाते जाते 10 लड़कों ने आपको गलत शब्द बोले, किसी ने हाथ मारा, क्या आप उसका सबूत पेश कर पाएंगी? नहीं कर सकती। यही समस्या है और यही सवाल का वो फायदा उठा रहा है। जब ब्रजभूषण विनेश को बैठा के जब बॉडी शेमिंग की बात कर रहा था, तो वो विनेश उसका सबूत कहाँ से ला कर दे? जब वो किसी के साथ शोषण कर रहा होगा तो वो सबूत लड़कियां कहाँ से ला कर दे? वो अपराधी किस्म का आदमी, वो तो ये षड्यंत्र रच सकता है, लेकिन वो भोली वाली लड़कियां ये चीजें कहाँ से करेंगी? पहले मेरे साथ फोटो खिंचाती थी जब मैटर जीत के, फोटो तो हम भी, अरे हम भीड़ में जाते हैं, हजारों लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं, उस फोटो को अगर आप गलत नजरिए से पेश करोगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं होगा। उनका हाथ मेरे ऊपर है, तमाम इस तरीके के सवाल, ये उसको शर्म आनी चाहिए। आप उससे ये सवाल पूछो कि जब आप किसी लड़की के बारे में गलत विचार रखते हो, क्या आपको अपनी लड़की का चेहरा याद आता है? जब आप किसी लड़की के बारे में शोषण करते हो, उनको अपने कमरे तक लेकर जाते हो, क्या आपको अपनी बहन बेटी याद आती है? याद आती है उनको? तो वह इस तरीके की बातें जो उनको शर्म आनी चाहिए, उनके घर में भी बहु बेटियां होंगी, कि हाथ रखा और रखा, ठीक ठाक रिश्ते हैं, ठीक हैं। हम लड़कियां तो कई बार शक भी नहीं करती हैं। हमारे देश में तो गुरु परंपरा रही है हमेशा से, और हमारे जो गुरु हैं, हमें जो कोचिंग करवाते हैं, या हमारे जो फेडरेशन के अधिकारी हैं, हम उन पर भरोसा इतना ज्यादा कर लेती हैं लड़कियां, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हो। मैम इसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस है वो समर्थन दे रही है अपने जो है पहलवानों को, महिला पहलवानों को, इसीलिए जानबूझकर भाजपा का नाम खराब कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सभी एक इंसानियत के नाते सब अपना अपना पक्ष रखने आए हैं, समर्थन देने आए हैं। अब BJP का काम है या दूसरी विपक्ष का काम है, ये तो राजनीति करते रहेंगे और ये हमेशा चलती रहेगी। लेकिन मुद्दा लड़कियों की अस्मिता का है, और ये सिर्फ विनेश, साक्षी या संगीता या अंशु मलिक का नहीं है, ये हजारों लाखों लड़कियों की सवाल। आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, क्या संदेश दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी उनके साथ खड़े हैं? वो तो खड़े ही हैं, वो तो दिखाई दे रहा है। जब मेडल आने के बाद वो अपने घर पे चाय पानी और TRP लेने के लिए उनको बुला सकते हैं, तो क्या उनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं बची कि वो बैठ के यहाँ पूछे कि बेटी क्या प्रॉब्लम है? और विनेश ने तो उनको बताया भी है घर जाके, तो ये तो कहीं ना कहीं उनका हाथ है इनके ऊपर, तभी तो वो इतना उछल रहा है। जी धन्यवाद।